कि आज जो हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम आपको परपोजिट से ही स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस तक कर लिया था। आज एक बार इस टॉपिक को रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे इस टॉपिक को आज फिनिश या फिर सैलरी चैप्टर की थ्योरी को फिनिश करेंगे एंड देन इसी में हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आज हम आपके साथ बात करें क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस की। जैसे अगर आपकी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देती है कि ये लो आप मेरा क्रेडिट कार्ड लो, या फिर कोई एड ऑन कार्ड देती है, बहुत सारे ऐसे शॉपिंग कार्ड होते हैं कि आप उस कार्ड को लेके जाओ बाजार में शॉपिंग कर सकते हो। तो अगर आपको आपकी कंपनी क्रेडिट कार्ड देती है या एड ऑन कार्ड देती है और उसके बदले में आप कुछ भी सामान खरीदते हो और आपने जितना पैसा पे किया उसे अपने क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे और जो निकलेगा वो क्या बन जाएगा, आपका सैलरी का ऐड हो जाएगी। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं किसी शोरूम गया, मैंने वहां से 1 लाख रुपए का कोई सामान किया और लेकिन मालिक को मैंने कितने 50,000 रुपए दिए, जो मेरे 50,000 रुपए का बेनिफिट मिला है मेरी सैलरी के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से ऑफिस का एक्सपेंस किया है, क्या क्या है, तब वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, सच एक्सपेंस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिशियल पर्पस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ परपोजिट। साफ परपोजिट नहीं मानेंगे, डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इज कवर ऑन द पीजी में। तो इसके अंदर हम किसके अंदर नहीं कवर करेंगे, उसे हम परपोजिट के अंदर कवर नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी आपको क्लब एक्सपेंडिचर की फैसिलिटी देती है, आपसे कहती है कि आप क्लब ज्वाइन करो, अब चाहे वो हेल्थ क्लब हो सकता है, अब चाहे वो स्पोर्ट क्लब हो सकता है, आपका वो एग्रीकल्चर क्लब हो सकता है, योगा क्लब हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई क्लब होता है, लेकिन कंडीशन है कि वो फैसिलिटी सभी को दी जानी चाहिए किसी एक एम्प्लॉय को। तो अगर आपकी कंपनी क्लब फैसिलिटी देती है और वो सभी को देती है तो कोई टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एक को देती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी साथ साथ बात है, इफ कॉर्पोरेट मेंबर देन द वैल्यू शुड बी जीरो। मैंने आपको बताया सबको दी गई तो जीरो, और अगर किसी स्पेशल को दी गई तो उसकी सैलरी का पार्ट बन जाए। दूसरा, देयर वुड बी नॉट प्रिक्विजिट फॉर यूज ऑफ द हेल्थ क्लब, स्पोर्ट क्लब एंड सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइडेड इनफॉर्मली टू शेल एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉय। अगर आपको स्पोर्ट क्लब की फैसिलिटी दी जाती है, हेल्थ क्लब की फैसिलिटी दी जाती है, तो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, जस्ट बिकॉज वो आपके लिए एक गुड हेल्थ के लिए होता है। लीव ट्रेवल कंसेशन मैंने कल ही बताया था, लेकिन मैं आप दोबारा कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आप किसी कंपनी में 4 साल तक जॉब करते हो और वो कंपनी आपसे कहती है कि आप इंडिया का टूर कराओ 4 साल में एक बार, तो उसे हम बोलते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन और सरकार हमें से बेनिफिट देगी। साथ साथ आप इसे 4 साल में कितनी बार जा सकते हैं, 2 बार जा सकते हैं। आप एम्प्लॉई, स्पाउस और 2 चिल्ड्रन को लेकर जा सकते हैं, मतलब पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। 4 साल को हम एक ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो हम सर कैसे, अगर पहली बार में अगर आपका जो भी बेबी या बच्चा जो भी होता है वो ट्विंस होता है तो हम थर्ड वाले बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका पहला बच्चा सिंगल था एंड दूसरा ट्विंस था तब तीनों को अलाउ कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि हमारी परपोजिट को किस तरीके से ऐड किया जाएगा, तो हमने इसे 3 पार्टों में बांटा है, बाय रोड, बाय एयर और एनी अदर मोड। अगर आप बाय रोड की बात करेंगे तो एसी फर्स्ट क्लास फेयर शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट व्हिच एवर इज योर। अगर आप शॉर्टेस्ट रूट की बात करोगे तो अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना, तो ऐसा नहीं पहले आप इंदौर गए फिर दिल्ली गए तो वो गलत। अगर दिल्ली से बॉम्बे जाओगे तो 5,000 लगेगा, लेकिन आप दिल्ली से इंदौर गए, इंदौर से बॉम्बे गए तो आपका 25,000 लगेगा, तो सरकार ओनली 5,000 ही अलाउ करेगी, एक्सेस नॉट अलाउ करेगी। एंड देन बात करते हैं एयर की, अगर आप एयर से जाते हो तो इकोनॉमिक क्लास, एयर फेयर, शॉर्टेस्ट रूट या फिर एक्चुअल अमाउंट व्हिच एवर इज अर्लियर। एंड थर्ड वन एनी अदर मोड, अगर आप रेल कनेक्शन से जाते हो, किससे जाते हो, रेल से जाते हो, ठीक है, अगर वहाँ पर आप एनी अदर मोड से जा रहे हो जिसमें पहला है रेल कनेक्शन अवेलेबल, तो वही हो गया एसी फर्स्ट क्लास, शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट व्हिच एवर इज लोअर। अगर रेल कनेक्टिविटी नहीं है तब आप ये देखोगे कि क्या वहाँ पर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे एक गवर्नमेंट की बसें चलती हैं, अगर बसें चलती हैं तब आप क्या ले लोगे, एसी और डुलेक्स क्लास शॉर्टेस्ट रूट, और अगर बसें नहीं चलती हैं और आप अपने कन्वेंस करते हो तब वहाँ क्या ले लोगे, एसी फर्स्ट क्लास शॉर्टेस्ट रूट, मतलब जो एसी का फर्स्ट क्लास शॉर्टेस्ट रूट होगा वो आपकी क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी, और जितना आपने पे किया उसे माइनस कर दें और जो भी बचेगा आपकी वैल्यू पर क्या हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी कंपनी क्या देती है आपको, कार की फैसिलिटी देती है कि आप लोग मेरी कार ऑफिस आ जाओ, उससे
इसे हम क्या बोलते हैं, परक्विजिट कार फैसिलिटी। अब कई चीजें हो सकती हैं, कार ओन्ड बाय, एक्सपेंडिचर मेड बाय, होली यूज, पार्टली यूज एंड ऑफिशियली, इसे चार पार्ट में बांटा। अब कार किसकी, अगर कार एम्प्लॉय की है, मेरी ही कार है, मैं कर्मचारी हूँ, मेरी ही कार है और उस पर मैं ही खर्चा करता हूँ, तो मेरी सैलरी का तो कोई पार्ट नहीं बना, तो वो क्या हो जाएगा, होली यूज मैं ही करूंगा और वो मेरा पर्सनली हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब ही, कोई सैलरी का पार्ट नहीं। लेकिन कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर, नहीं इसमें भी कार किसके, एम्प्लॉय की, एक्सपेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर। अभी कह रहा है कि अब कितनी सैलरी का पार्ट बनेगा आप पे, या परक्विजिट कितनी बनेगी, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर, जितना मालिक ने खर्चा किया, और अगर जो कार है उसकी कैपेसिटी कितनी है, अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी या फिर 1800 रुपये पर मंथ। अब क्या कह रहा है, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर और अप टू, अगर कार की वैल्यू कितनी है, मतलब कार कितनी कैपेसिटी वाली है, अगर 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की, तो 1800 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, और अगर उससे मोर देन वाली कैपेसिटी वाली है तो 2400 पर मंथ, और अगर आपने ड्राइवर भी दे रखा है तो 900 रुपये पर मंथ वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट मेरी ही कार है लेकिन मेरा मालिक खर्चा उठाता है, ठीक है, ठीक है, होली खर्चा उठाता है, पार्टली भी नहीं, होली पूरा खर्चा उठाता है, अब चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो रिपेयर का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का, तो वो आपकी सैलरी में कितना ऐड करे, पहला एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर, अगर कार की कीमत कितनी है 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की, तो 1800 पर मंथ, और अगर उससे मोर है तो 2400 पर मंथ प्लस 900 रुपये पर मंथ। अगर हम बात करें एम्प्लॉयर की, कार भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉय कर रहा है, तब क्या कर रहा है, वेयर एंड टेयर, मतलब ये कह रहा है कि जितनी उसकी कार है उसका 10% क्या मान लो, उसकी परक्विजिट मान लो, ठीक है, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, कार 20 लाख के, 2 लाख की आपकी परक्विजिट, और उसके साथ साथ अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की, तो 600 रुपये पर मंथ, और अगर मॉल देने तो 900 रुपये पर मंथ और प्लस 900 रुपये ड्राइवर, ठीक है। अब इसमें कार तो उसकी थी मालिक की, ठीक है, लेकिन खर्चा कौन कर रहा था, एम्प्लॉय कर रहा था, ठीक है, इसमें खर्चा कौन कर रहा था, एम्प्लॉय कर रहा था, तो 10% हमने कॉस्ट में ऐड कर दिया था कार का, और बाकी जो उसको फैसिलिटी दी गई थी किसकी, कार की और ड्राइवर की, वो सैलरी, लेकिन कार भी अब किसकी, एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉय, तो आप खर्चा भी ऐड कर दोगे जो मालिक कर रहा है, और जो कार की कॉस्ट है वो भी ऐड कर दो, साथ साथ अगर कार की जो अगर 6.1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की है तो 1800 रुपये पर मंथ, अगर उससे ऊपर है तो 2400 रुपये और 900 रुपये ड्राइवर के ऐड कर दो, वो क्या बन जाएगी इस पर पेज। लेकिन वो कहता है कि इफ एनी अदर व्हीकल मोटरसाइकिल ईटीसी इज नॉट गिवन बाय ओनर एम्प्लॉय, कह रहा है कि अगर मोटर व्हीकल कौन देता है, कंपनी देती है, तब उसमें होली पर्सनल है, तो जितना मालिक ने खर्चा किया वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, और अगर पार्टली पर्सनल है, पार्टली ऑफिशियल है, तो जितना पर्सनली होगा उसे ऐड कर देंगे, इसमें अगर एवरेज निकाले तो 900 रुपये पर मंथ, मतलब मालिक ने मुझे कार ना देके बाइक दे दी, अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ होली क्या पर्सनल यूज होता है, तब जितना मालिक खर्चा करेगा वो मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेकिन कुछ पर्सनली होता है, कुछ ऑफिशियली होता है, तो 900 रुपये पर मंथ। ये आपको समझ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस चार्ट को ध्यान से समझेंगे, इसमें काफी सारा क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले अगर कार आपकी है और आप ही खर्चा करते हो तो आपके ऊपर कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं बना, मेरी कार मैं ही खर्चा करूँ क्या परक्विजिट, कुछ नहीं। अगर कार मेरी है, मालिक खर्चा कर रहा है, तो जितना मालिक ने एक्सपेंस किया वो मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा। दूसरा, अगर मालिक कार की कैपेसिटी कितनी है, 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की है, तो 1800 रुपये पर मंथ, अगर उससे ज्यादा की है तो 2400 रुपये पर मंथ प्लस 900 रुपये ड्राइवर। अगर एम्प्लॉयर है और कार एम्प्लॉयर की है लेकिन खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, तो जो भी कार की वैल्यू उसका 10% ऐड कर दो, प्लस अगर कार 1.6 लीटर की है तो 600 रुपये, उससे ज्यादा की है तो 900 रुपये, और ड्राइवर की फैसिलिटी है तो 900, और अगर कार भी मालिक की है, खर्चा भी मालिक कर रहा है, तो एक्सपेंस भी ऐड कर दोगे, कार की कॉस्ट भी ऐड कर दोगे, और कार अगर 1.6 लीटर की है तो 1800 रुपये, उससे ज्यादा है तो 2400 रुपये, ड्राइवर है तो 900। चलो, अभी तक हमने जितनी बात करी सब थी परक्विजिट की, मतलब काइंड में दया की बात होती,
अब बात आती है अलाउंसेस की। वी नो वेरी वेल अलाउंसेस, अलाउंसेस जो कैश के रूप में हमारी कंपनी हमें देती है उसे हम अलाउंसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हाउस रेंट अलाउंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंसेस, सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है हाउस रेंट अलाउंसेस। मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास एक बी नाम का एम्प्लॉय है। क्या है? मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास एक बी नाम का एम्प्लॉय है। उसने कहा, सर मैं आपकी सिटी में रहता हूँ, मेरे पास कोई मकान नहीं है, मैं किराए पर रहता हूँ और इतना पैसा पे करता हूँ। मालिंगा, ठीक है परेशान मत हो, मैं तुझे घर नहीं दूंगा, तुझे घर लेकर भी नहीं दूंगा अपना, मैं अपना घर भी नहीं दूंगा तुझे, अपना घर मतलब कोई घर लेकर भी नहीं दूंगा तुझे, मैं पैसा दूंगा तू अपने आप रह ले। ठीक है, ये क्या हो गया? अलाउंसेस। अब उसने कहा, सर कैसे दोगे अलाउंसेस? उसने कहा, आइए मैं बताता हूँ। उसने सबसे पहले कंडीशन की, आप पक्का यहीं रहते हो ना दिल्ली में? सर ऐसा रहता हूँ, जॉब भी आप दिल्ली में करते हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं मैं आपको पैसा दूंगा, आप अपनी मौसी के पास जाके रहो, ताया जी के पास जाके रहो, किसी और के पास जाके रहो, तो वो तो नहीं करोगे। पहली कंडीशन है कि अगर आप किसी को एचआरए का बेनिफिट दोगे, सबसे पहली कंडीशन है उस सिटी में उसका कोई भी मकान ना हो और वो जहाँ रहता हो एक्चुअल में उसकी पेमेंट करता हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम आपको बोल रहे हो, आपको पैसा दे रहे हैं और आप कहीं जाके रह रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या है सबसे पहले सेक्शन 10 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो एग्जेंप्शन की बात करता है। ठीक है, जैसे आपकी 40,000 रुपये कमाया, आपको 25,000 रुपये की एग्जेंप्शन मिल गई, तो 15,000 रुपये आपको पे करना। अब कैसे एचआरए कैलकुलेट करोगे? लिखा लीस्ट ऑफ फॉलोइंग एग्जाम, जो तीनों चारों में से कम होगा वो एग्जाम। पहला एक्चुअल अमाउंट जितना आपको मिला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना आपने रेंट पे किया उसका माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर आप अदर देन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 40%। इसका जो सर मेट्रो सिटी वाला तो वो था ना कंडीशन था आबादी के हिसाब से, नहीं कौन सा मेट्रो मतलब परक्विजिट में था वो तो परक्विजिट में था ना, जब वो अपना मकान लेकर देगा, अगर 10 लाख तक है तो 7.5, 10 लाख से अगर 15 लाख, 25 लाख तक 10% और 25 लाख से अब तो 15%। ये नहीं, मेट्रो सिटी जानते हो कितनी मेट्रो सिटी है? मेट्रो सिटी 5 पाँच है, 4 मेट्रो सिटी है, दिल्ली मुंबई और कोलकाता। ठीक है, और अदर देन आपकी क्या है? अन मेट्रो सिटी है, जैसे ये नहीं जहाँ मेट्रो चलती है वो मेट्रो सिटी हो गई, उसे नहीं कर करेंगे। सैलरी का ट्रीटमेंट होगा बेसिक प्लस डीए प्लस सी प्लस परसेंट। चलो क्लियर हो गया, ये याद रखना। अब अलाउंसेस को चार पार्टों में बांटा, पहला आता है फुली टैक्सेबल, क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा, आप 1 रुपया मिलेगा वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे डीएलएनएस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, डॉग अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, सीसीए अलाउंसेस, सीसीए मतलब होता है सीसीए था क्या सीसीए अलाउंसेस एंड सर्वेंट अलाउंसेस, तो ये सब क्या बन जाएंगे आपके फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। आपको जितनी भी कंपनी देगी वो सब आपकी सैलरी का पार्ट बन जाए। इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा है एग्जाम टू लिमिट और एक्चुअल एक्सपेंस, ठीक है, पहला ट्रेवलिंग अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, अकेडमिक रिसर्च अलाउंसेस एंड कन्वेंस अलाउंसेस, ये कह रहा उतना ही एग्जाम होगा जितना दिया है। जैसे मान लो मालिक ने आपको दिए कि ले भाई 2,000 रुपये जा और अपनी ड्रेस बनवा ली, 2,000 रुपये दिए ड्रेस बनवा ली, अब एक ड्रेस बनती है 1,000 रुपये, ठीक है, खर्चा आपको करना था 1,000 रुपये लेकिन आपने खर्चा कर दिया 2,000 रुपये आपको पे करना। लिखा है कि एग्जाम एग्जाम टू लिमिट, जितनी लिमिट होगी उससे एग्जाम होगा, उससे ऊपर गए तो टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि सरकार ने लिमिट रख दी कि आप यूनिफॉर्म अलाउंस में 1,500 खर्चा करोगे लेकिन आपने 2,000 कर दी, तो सरकार खाली 1,500 का अलाउंसेस एग्जाम करेगी, उससे ज्यादा आप जितना भी कमाओगे वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। एग्जाम लिमिट प्रेस्क्राइब बाय लॉ, अगर आपको एचआरए का बेनिफिट मिलता है तो आप वही ट्रीटमेंट करोगे, एक्चुअल अमाउंट सैलरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी इन मेट्रो सिटी एंड 40% ऑफ नॉन मेट्रो सिटी। अगर आपको हिली एरिया अलाउंसेस मिलता है तब उसका ट्रीटमेंट होगा, ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है, एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है, हॉस्टल अलाउंसेस मिलता है एंड बॉर्डर एरिया अलाउंसेस मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। अगर हम बात कर लें हॉस्टल अलाउंसेस की तो 1,300 रुपये एग्जाम्प्ट होता है पर मंथ के हिसाब से।
अगर हम बॉर्डर अलाउंसेस की बात करेंगे तो नीचे भी डिस्क्राइब कर दूंगा। और एक होता है पूरा, अगर आपको फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की बात करनी है तो वो आते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जज को जो भी सैलरी मिलेगी या जो भी अलाउंसेस मिलेगा वो 100% एग्जेम्प्ट होगा, उनको टैक्स देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉय होंगे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ऑन बाय आउटसाइड इंडिया तो भी उसे कोई अलाउंसेस नहीं देना पड़ेगा। जैसे आपको पता इंडिया के बाहर एम्बेसीज होती हैं, वहाँ पर इंडियन के गवर्नमेंट के लोग वहाँ काम करते हैं, उनको जो भी अलाउंसेस मिलता है उनकी सैलरी में ऐड नहीं किया जाता और वो एग्जेम्प्ट माना जाता है। अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पर एक स्टार लगा रखा था हिली एरिया। आपको पता हमारे जो आर्मी अफसर्स होते हैं वो हिली एरियाज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में रहते हैं जो पहाड़ी होते हैं, जहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। सरकार उनको बेनिफिट देती है, 300 रुपये से लेकर 7,000 रुपये पर मंथ क्या होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। और अगर हम बात कर रहे थे हॉस्टल अलाउंस की, 200 से लेकर 1300 एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप एजुकेशन अलाउंसेस की बात कर रहे हो, बेनिफिट फ्री एजुकेशन, नो लिमिट ऑफ चाइल्ड, 100,000 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन, नॉट टैक्सेबल। अगर आपके पास दो बच्चे, मतलब बच्चे चाहे कितने भी हो, अगर आप पर मंथ कितना पे करते हैं, 1,000 पे करते हैं, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना। इसी तरीके से अगर आपके पास मैक्सिमम दो चिल्ड्रन है और आपको 100% एग्जेम्प्ट मिलेगी, क्या मिलेगी, अगर आप 100 रुपये पर मंथ पे करते हो तो 100% आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और नीचे लिखा है हॉस्टल अलाउंस मैक्सिमम दो चिल्ड्रन है तो 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये आपका आज टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा सैलरी। अब ये जब जैसे ही आपके टॉपिक्स खत्म होते हैं, इसके बाद अब हमें अपने क्वेश्चंस के ऊपर मूव करना है। क्वेश्चन तभी आप अच्छे से कर सकते हो जब आपको थ्योरी अच्छे से आती होगी, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार हमें थ्योरी क्वेश्चन को करने के थ्रू क्लियर होती जाती है। जिस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलते हैं उसी तरीके से हम उसे सॉल्व करते रहते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं और धीरे धीरे अपनी थ्योरी को भी रिकैप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज परपोजिट की थ्योरी मैक्सिमम कवर हो चुकी है और अब हम अपने क्वेश्चनों को मूव कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है इनकम फ्रॉम सैलरी का, चैप्टर हमारा 2 लिखा हुआ है इसमें। अब कंप्यूट द सैलरी इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1920 इन द फॉलोइंग केसेस। मिस्टर ए हु इज गवर्नमेंट सर्विस रिसीव 4,000 पर मंथ एज बेसिक सैलरी एंड 5,000 डियरनेस अलाउंसेस, 500 पर मंथ डियरनेस अलाउंसेस एंड 600 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो कैलकुलेट करने का बोल रहा है सैलरी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें बेसिक सैलरी के रूप में कितना मिल रहा है, 4,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। हम साल की एवरेज निकालें तो हम साल में 48,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर हम डियरनेस अलाउंसेस की बात करें तो हमें 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है और पूरे साल का हमें 6,000 रुपये। इसी के साथ साथ हमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो मिल रहा है वो हमें 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से टोटल 7,200 रुपये मिल रहा है। तो सैलरी के अंदर सबसे पहले हम टॉप में लिखेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, यहाँ पर अपना प्रीवियस ईयर लिखेंगे 17-18 या जो भी होगा 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18-19। बेसिक सैलरी में हमें मिले हैं 48,000 रुपये, डीए के रूप में हमें मिले हैं 6,000 रुपये और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा। तो हमने सेक्शन 16 क्लोज ए के हिसाब से देखा था, सेक्शन 16 क्लोज 3 के हिसाब से देखा था कि हमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस तब मिलता है जब हम कौन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। कौन होते हैं हम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। एक्चुअल अमाउंट हमें कितना मिला है, 5,000। एक्चुअल अमाउंट मिला है हमें 6,000, 6,000 पर मंथ था तो 72 हो गया। और 20% अगर सैलरी का निकालें तो कितना आएगा, 48,000 रुपये सैलरी है और 6,000 रुपये हमें क्या मिल रहा था, डियरनेस। तो टोटल कितनी हो गई हमारी, 54,000। और 54,000 का हम 20% निकालें तो कितना हो गया, 10,800। और हमें एग्जम्पशन किसकी मिलेगी, तो इन तीनों में से कम होगा तो एग्जम्पशन हमें मिल जाएगी 5,000। कितने की मिलेगी, 5,000। तो हमें टैक्स ओनली कितने पर देना होगा, 1,000 पर टैक्स देना होगा। आपने क्या पढ़ा अभी,
अभी क्या बढ़ा ये मैक्सिमम लिमिट में क्या बढ़ा 5,000, तो फिर एग्जाम भी तो 5,000 गया, टैक्सेबल कितना हुआ ओनली 1,000, एक्चुअली में 7,200 मिला है ना, तो फिर 2,200 हो गया, कितना हो गया 2,200 हो गया। चलो तो यहाँ पर आ जाएगा 2,200, और टोटल हमारी सैलरी कितनी हो गई इन सबको जोड़ लो, हमारी सैलरी जो आ जाएगी वो आगे 56,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 रुपए की मिल जाएगी, परफ्यूजर कोई था नहीं तो टैक्स जीरो, और नेट टैक्स जो बना 6,200 होगा, ठीक है। हाँ ये टैक्सेबल वैल्यू, इस पर टैक्स इनकम बनी, हाँ इस पर टैक्स टैक्स लगेगा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिस्टर एक्स हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ 25,000 पर मंथ एज अ बेसिक सैलरी एंड 5,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस, देन सिंपल क्वेश्चन से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3,00,000, डीएनएस हमें कुछ मिला नहीं है और ये 5,000 रुपये मिल रहा है, इंटू 12 कर देंगे तो 60,000 रुपये बेसिक सैलरी आ गई 3,00,000 रुपये, डीएनएस कुछ है नहीं और एंटरटेनमेंट आ गया 60,000 रुपये, कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है और उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी और आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो 3,10,000, क्या हो जाएगी आपकी सैलरी 3,10,000, सिंपल क्वेश्चन है कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। चलो मिस्टर वाई हु इज अ एम्प्लॉय इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एट बॉम्बे फॉर रुपीज 1,00,000 रुपीज पर मंथ, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परपोजिट 1,00,000 60,000 फॉर अ ईयर, ही पे प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 2,500 फॉर द ईयर, तो सिंपल है 13,00,000 रुपए उसकी सैलरी है, तो आप यहाँ पर सिंपली लिख दो 13,00,000 रुपए, डीएनएस 12,00,000 रुपए है और उसे डीएनएस कुछ मिला नहीं है लेकिन उसके लिए आपको उसे मिला है परक्विजिट मिला है, तो आप यहां से डाल देंगे क्या परक्विजिट, परक्विजिट बना नहीं है, चलो कोई नहीं ऐसे मान लेते हैं कि परक्विजिट है, और ये कितना मिला उसे 1,00,000, इसे हटा के हम परक्विजिट समझ लेते हैं कितना 1,60,000, सैलरी कितनी होगी उसकी 13,60,000, उसमें से कितनी डिडक्शन मिल जाएगी उसको 50,000 रुपए की और साथ साथ उसे प्रोफेशनल टैक्स के रूप में कितने का बेनिफिट मिलेगा 2,500 रुपए का। हमने कहा था कि अगर आप सेक्शन 16 क्लोज 3 को पढ़ोगे तो उसके अंदर हमने बताया था प्रोफेशनल टैक्स, अगर मालिक अपनी जॉब के दौरान कोई प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो उसकी सैलरी से क्या कर दिया जाता है माइनस कर दिया जाता है, तो अब जो आपकी सैलरी निकलेगी वो 13,60,000 माइनस 50,000 माइनस 2,500 रुपये, तो जो भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा टैक्सेबल इनकम और इसी पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। चलें आप बाद में जब जब सब कुछ कवर हो जाएगा सैलरी की करेंगे। क्वेश्चन 2, मिस्टर श्याम इन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड रिसीव 19,000 एज अ ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट एक्ट ग्रेचुटी एक्ट 1972, he retired on August 15, 2018 after rendering service for 32 years and 4 months. The last drawn salary is 3,250 per month. Calculate the amount of gratuity chargeable to tax. सबसे पहले हमें ग्रेचुटी पर जाना है, ग्रेचुटी के ट्रीटमेंट को समझने की बहुत ज़रूरत है हमें, हमें सबसे पहले ग्रेचुटी को हमने बताया था ये एक आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, दो तरीकों का होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 100% एग्जाम होता है कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर नॉन गवर्नमेंट होता है तो उसको आप दो पार्टों में बांटेंगे कवर्ड एक्ट 1972 और नॉट कवर्ड 1972, अगर कवर्ड है तो एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 20,00,000 रुपए एंड और लास्ट होता है 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड कंप्लीटेड ईयर पार्ट ऑफ देयर, तो सबसे पहले नेम उनका था श्याम तो यहाँ पर हम श्याम लिख देंगे, वो कवर्ड के अंदर है, सर्विस उन्होंने कितनी करी है 25 साल और उन्हें पर मंथ कितना मिल रहा है 3,250 और लास्ट उसकी सैलरी कितनी बताइए 3,250 बताइए और पैसा मिला है 90,000 रुपये, अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ये आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। सबसे पहले एक्चुअल में उसे कितना मिला है 90,000, माफ कितना है 20,00,000, ठीक है और हाफ मंथ सैलरी मींस 15/26, क्लियर,
अब सिंपल क्या करेंगे, उनको पर मंथ कितना मिल रहा है, 3250, तो आधा कर लेंगे डिवाइड बाय, नहीं गलत बताया आपने, हाँ इनटू 15 डिवाइड बाय 26, तो 1875 कितना आएगा, 1875, क्योंकि अगर 15 डिवाइड बाय 30 होता तब आता, वो था 15 डिवाइड बाय 26, इसलिए आपको गलत है, आपका आंसर जो आएगा 1875। नहीं वो तो एवरेज सैलरी तो हमें गिवन है, तो थर्ड रूल क्या कहता है, 15 डिवाइड बाय 26, तो आप 15 डिवाइड बाय 26 करोगे, आप नॉन कवर्ड का बता रहे हो, वो तो नॉन कवर्ड वाली में था, हां वो आप सिंपल कर लेंगे, अब इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 32 से, कितना मिलेगा 60,000, इन तीनों में सबसे कम कौन सा है, 60,000, तो माफी कितने की मिलेगी, टैक्सेबल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30,000, 30,000 को टैक्सेबल, 30,000 को आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, और फिर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो खुद टैक्सेबल होगा, बट इट चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर उमा नॉट बीन कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, फर्स्ट इस क्वेश्चन इज नॉट कवर्ड, देन ग्रेच्युटी एक्ट 1972 रिटायर्ड ड्यूरिंग द 1890 फ्रॉम द एसआर लिमिटेड एंड रिसीव 45,000 एज अ ग्रेच्युटी आफ्टर अ सर्विस ऑफ 40 ईयर 11 मंथ, हर एवरेज मंथली सैलरी ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ ऑफ 2200 रुपए डिटरमाइन टैक्सेबल ग्रेच्युटी, वुड What would be your answer if she retired after servicing for another 2 months? तो सिंपल सा है कि ये 41 साल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है नॉट कवर्ड के अंदर हमें कंप्लीटेड ईयर की बात की गई, एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 10 लाख रुपीज एंड 15 डिवाइड बाई 30 एंड कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है तो क्वेश्चन करें, नाम में क्या लिख देंगे, उमा, इसे कर देंगे नॉट कवर्ड, उन्होंने सर्विस दी 41 साल, उनको मिले हैं 45,000 पर मंथ की सैलरी, उनकी 2200 रुपए उनको एवरेज सैलरी मिली, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमें निकालना नहीं पड़ा, अब 2200 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 15 डिवाइड बाय 30 तो वो उसका आ जाएगा 1100 रुपए, सिंपल कट आंसर है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 41 से तो आंसर कितना आएगा 45,100, मिला उनको 45,000 रुपए है, माफ इसमें है 10 लाख रुपीज और हाफ मंथ सैलरी कितनी निकल के आई है उनकी 45,100, तो माफ कितने का मिलेगा 4500 रुपए और टैक्स उनको देना कितना पड़ेगा 0, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिटरमाइन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ टैक्सेबल पेंशन इंक्लूडिंग इन सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 इन द फॉलोइंग केस, On 30 June 2018, Mr. Santosh retired from Central Government Service and he get pension 33,000 per month up to 31-1-2019 with effect from 1-2-2019 he get 1/3 of his pension committed for 1,20,000. उसने हमें कहा है कि जो गवर्नमेंट सर्वे है संतोष, संतोष कौन है का गवर्नमेंट सर्वे, और उसने अपनी सैलरी को कंप्यूट करवा लिया है कितने रुपए से, 1,20,000 रुपीज से अपनी सैलरी को क्या करवा दिया है, कंप्यूट करवा दिया, इस क्वेश्चन में बस एक आंसर लिखना है कि संतोष इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही कम्यूट सैलरी 1,20,000 नॉट टैक्सेबल, बिकॉज हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 100% क्या मिलती है, माफी मिलती है, तो हमें कोई भी क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है और आप भी कंफ्यूज नहीं है, कम्युनिटी पेंशन किया था ना उसमें सिंपल कट बोला था गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो एग्जेम्प्ट होती है, अब चाहे कितना परसेंट मिले वो क्या कर दोगे आप, ठीक है चलें इसके बाद नेक्स्ट, मिस्टर काम कमात रिटायर फ्रॉम एक्स लिमिटेड ऑन 31 अक्टूबर 2017, ही गेट पेंशन 2000 पर मंथ अप टू 31-10-2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2028, he get 60% of pension community for 30,000 is not receive of gratuity. इसने कहा एक बंदा है जो X Limited में जॉब करता है, जो 31/10 को उसे पेंशन मिल ली थी 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, उसने 1 नवंबर को अपनी पेंशन को क्या करवा लिया है, कम्यूट करवा लिया 60% पेंशन को, और उसे अब कितना मिल रहा है 30,000, ठीक है अब उसे बताना है कि उस पर कितना टैक्सेबल होगा, सबसे पहले हमें ये समझना है किसका कमिटेड पेंशन,
आप सभी को पता है कंप्यूटर पेंशन का क्वेश्चन हमने किया था या थ्योरी पढ़ी थी सेक्शन 10 के अंदर, 10 क्लॉज 10 ए के अंदर, जो बताता था कंप्यूटर पेंशन के बारे में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 100% माफ होगा, और नॉन गवर्नमेंट होगा तो उसको दो पार्टों में बांटेंगे। अगर उसे ग्रेचुटी मिली है तो 1/3 100% कंप्यूटर पेंशन का, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/2 100% ऑफ कंप्यूटर पेंशन का। ठीक है, तो अब देखना है कि इसे ग्रेचुटी मिली है तो ग्रेचुटी नहीं मिली तो ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो कर देंगे, उसे ग्रेचुटी मिली है नो कर देंगे। कितना अमाउंट ले रहा है? 30,000 ले रहा है, और एवरेज सैलरी हमें गिवन नहीं है, पेंशन कितनी थी? 2,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और वो रिटायर कब हुआ था? 31/10 को, और उसने 1 नवंबर को ही, 1 नवंबर 2018 को अपनी पेंशन कितनी करवा ली? 60% कम्यूट कर ली। इसका मतलब अब हमें क्या करना है? इसका पेंशन निकालना। तो हमने क्वेश्चन में भी बताया था किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है? 30,000। अब हमें निकालना है 1/2 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन। तो कैसे निकालोगे? 2, आप लिखोगे 2000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60, तो कितना आ गया? 3 आ गया। और इसे नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ शायद, कम्यूटेड पेंशन 30,000 है। बिल्कुल सही कहा आपने, 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60, तो कम्यूटेड पेंशन होगी टोटल 50,000 रुपये। इसका आधा कितना हो जाएगा? 25,000, तो माफ कितना होगा? 25,000, तो एग्जाम कितना आ जाएगा? 25,000, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 5,000। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मैंने कहा कि अगर कम्यूटेड पेंशन मिल रही है उसको, सबसे पहले हमने देखना है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो था नहीं, तो हमने क्या ले लिया था? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। उसके उसने पूछा था ग्रेचुटी मिली तो नहीं मिली, टोटल कितना मिल रहा है? 30,000 रुपये, और उसकी एवरेज सैलरी या पेंशन कितनी? 2,000 रुपये। उससे हमें भी कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन में ये बनता है कि ग्रेचुटी नहीं मिली तो जितनी उसकी पेंशन है उसका 100% निकालो। ठीक है, अगर उसे 30,000 रुपये मिल रहे हैं तो टोटल उसे कितने पैसे मिलते? टोटल उसे मिलते 50,000 रुपये। कैसे निकाला हमने? कि 30,000 का इंटू कर दिया 100 और डिवाइड कर दिया 60, जिससे हमें टोटल मिल गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर आप मुझे बताओ मेरे बिल में टैक्स लगा है 18,000 रुपये का, और टैक्स रेट है 18%, बताओ इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है? तो हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको पहले हम 100 से गुणा कर देते हैं और 18 से भाग कर देते हैं, तो हमें पता चलता है इसकी टैक्सेबल वैल्यू 100,00,000 रुपये, इसका 18% 18,000 रुपये। इसीलिए हमने इसका क्या किया, पहले 18% मतलब पहले इसकी एक्चुअल निकाला कि इसकी एक्चुअल कितनी मिलेगी, और उसको फिर 2 से डिवाइड कर दिया, पर हमारी कम्यूटेड पेंशन आ गई। उसने कम्यूटेड करवा ली ना, उसने 60% कम्यूटेड करवा ली। चलो नेक्स्ट पढ़ो, लिखा है कैलकुलेट टैक्सेबल पेंशन इंक्लूडिंग सैलरी इनकम इन द फॉलोइंग केस फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। मिस्टर राम सिंह रिटायर फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑन 16/3/2018। ही गेट पेंशन ऑफ ₹4,000 पर मंथ अप टू 31/12/2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2019। ही गेट 55% ऑफ हिज पेंशन कमिटेड 7,075,000। तो आप करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक आंसर लिखने रेवेन्यू सर्विस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सर्विस, तो ये एग्जाम हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं लिखा, इसने क्या लिख दिया? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये आपको देखना है गवर्नमेंट है या फिर। क्वेश्चंस की मीनिंग को समझ जाएंगे तो कर लोगे, अदरवाइज आप फंसे रहोगे। चलो तो इसमें कुछ करना तो था नहीं हम लोगों को। चलो, मिसेस सुंदरा रिटायर फ्रॉम आरजी कंपनी इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी ऑन 31/3/2018। ही गेट 1800 पर मंथ एज अ पेंशन ऑन हिज रिक्वेस्ट। आरजी कंपनी पे 36,000 इन लीव ऑफ 50% ऑफ पेंशन फ्रॉम 1/12/2018। अज्यूम दैट ग्रेच्युटी इज पेड और नो ग्रेच्युटी हैज बीन पेड। अभी हमें कम्यूटी निकालनी है कि क्या ट्रीटमेंट करना, अगर ग्रेच्युटी मिली होगी तब क्या ट्रीटमेंट होगा, ग्रेच्युटी नहीं मिली तब क्या होगा। तो सिंपल, सबसे पहले यहाँ पर लिख दोगे कौन था वो, क्या नाम था?
सुंदरा सुंदरम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लेते हैं ग्रेच्युटी मिली है, ग्रेच्युटी मिली है तो 1/3 ऑफ द 100% कम्प्यूटेड पेंशन एग्जाम, ठीक है, अमाउंट कितना मिला है उसे 36,1800 रुपये पेंशन, और कितने परसेंट उसने कम्प्लीट करवाया है 50%, तो इसका मतलब इसकी फुल सैलरी कितनी होती, तो 72,000 होती पेंशन, टोटल कितनी हो जाती पेंशन बात, अगर नहीं समझ आया तो सिंपल 36,000 × 100 डिवाइड बाय 52, अगर इसे कितने डिवाइड कर दो 1/3 तो 24,000 कितना आ जाता 24,000, अगर उसे ग्रेचुटी में कवर होता तो ग्रेचुटी मिली होती तो 36,000 उसे एक्चुअल अमाउंट मिला है, माफी मिलती 24,000 की और टैक्सेबल कितना हो जाता 12,000, और टैक्सेबल कितना हो जाता 12,000, गॉट इट। चलो अगर ग्रेचुटी नहीं मिलती तो इसका आधा हो जाता, 72,000 का आधा होता 36,000, तो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट आ जाए सातवां क्वेश्चन पर, श्रीधर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी रिसीव 36,000 एज अ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑन January 31, 2019 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। बेसिक सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ सिंस 2015 ड्यूरिंग ऑफ सर्विस 22 ईयर एंड 8 मंथ, लीव्स ऑन हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 12 मंथ ऑन द बेसिस ऑफ 45 डेज इंटरमेंट ऑफ लीव फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो एबीसी कंपनी में काम करता है, उसे 36,000 रुपये पर मंथ क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी जब उसने अपना ऑफिस छोड़ा था, जब ऑफिस क्लोज किया था या उसकी रिटायरमेंट हो गई थी, ठीक है, साथ साथ उसको लीव सैलरी बेसिक पे कितना मिलता था 3,000 मिलता था, कितना मिलता था 2015 से उसे कितना मिलता था 3,000 रुपये पर मंथ मिलता था, उसने उसमें कितने साल जॉब करी है 22 साल जॉब करी है 8 महीने, जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास कितने महीने थे 12 महीनों की उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया था, और उसको जो मिला था वो कितने 45 डेज के हिसाब से मिला था। अब इसका क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन बनता है लीव इन कैशमेंट के रूप में, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग होता है एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 3 लाख रुपीज, 10 मंथ सैलरी जिसे आप प्रिसीडिंग 10 मंथ सैलरी बोलते हैं, अर्न लीव सैलरी, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले नाम मान लेते हैं एबीसी था, हटा दें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसे क्या कर देंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पर ईयर लीव कितना मिलता था उसे 45 डेज का लीव मिलता था, कितने डेज का लीव मिलता था 45 डेज का लीव मिलता था, उसे कितना अमाउंट अभी रिसीव हो रहा है 36,000 रुपये रिसीव हो रहा है, शायद मैंने क्वेश्चन को गलत बोल दिया, उसे 36,000 रुपये मिल रहा है जब वो क्या कर रहा है रिटायर हो रहा है, और किसके रूप में लीव इन कैशमेंट के रूप में, लेकिन जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी बेसिक सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ थी, उसने एवरेज सैलरी कितनी बताइए 3,000 रुपये, 3,000 बताइए, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या थी उसकी 31 जनवरी 2019, लास्ट ड्रॉन सैलरी उसने बता दी 3,000 रुपये, सर्विस कितने साल जॉब करी है उसने, उसने करी है 22 साल 8 महीने, ठीक है, और उसे टोटल मिला कितना है, टेकन सरकार देती कितनी है 3 डेज 30 डेज के हिसाब से देती है, और उसकी कंपनी उसे दिया कितने 45 डेज के हिसाब से दिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। चलो सबसे पहले जब क्वेश्चन था लीव इन कैशमेंट का, उसमें कंप्लीटेड ईयर की बात की गई थी, किसकी बात की थी कंप्लीटेड ईयर की बात की गई थी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट कहती है, वो कह रहा है कि उसे 12 महीने की सैलरी मिली है, मतलब 12 महीने की छुट्टी के हिसाब से पैसे दिए, तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो उसे 30 डेज मिलते, तो अगर 12 से मल्टीप्लाई, उसने कितने साल जॉब करी है 22 साल, अगर वो 22 साल को इससे मल्टीप्लाई करें 30 से, तो उसे एक्चुअल में कितने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए थी 360 दिन की छुट्टी मिलनी थी, लेकिन उसने कितने साल जॉब करी 22 साल, उसकी कंपनी कितने दिन की छुट्टी के हिसाब से 45,
तो उसके मतलब कितना हो गया, तो उसका मतलब हो गया कि कंपनी ने उसे कितने दिन की छुट्टी के हिसाब से दी, 990। तो इसका मतलब उसे 0 दिन की क्या मिलेगी, सैलरी का बेनिफिट मिलेगा। समझे मेरी बात? क्योंकि उसकी कंपनी देती है 45 दिन, उसकी कंपनी बड़ी दिल वाली है, गवर्नमेंट तो नहीं है ना बड़े दिल वाली, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी कि हम कितने दिन की करेंगे, ओनली 30 डेज। तो हमने निकाला कि 22 साल में अगर वो जॉब करता गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के तो उसे 660 दिन की छुट्टी मिलती, जबकि उसे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के कितने दिन की छुट्टी मिली, 990 दिन की छुट्टी मिली। इसका मतलब ज्यादा छुट्टी मिल गई ना उसे, नहीं मिलनी चाहिए थी इतना, तो क्यों मांग रहा है? तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जीरो करेंगे। अब एक्चुअल अमाउंट कितना मिला उसे, 36,000। मैक्सिमम कितना था, 3 लाख। 10 मंथ एवरेज सैलरी कितनी आ जाएगी, 30,000, क्योंकि 3,000 रुपये से पर मंथ मिल लेते। और अर्न लीव सैलरी कितनी है उसकी, अर्न लीव सैलरी है जीरो। उसे माफी कितने की मिलेगी, जीरो की, और टैक्सेबल कितना जाएगा, 36,000। देखो अगर ये नहीं कैलकुलेट करते तो आप क्या नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। 36,000 एक्चुअल अमाउंट मिला, समझ में? ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि गवर्नमेंट, देखो ये हमने इसलिए निकाला उसकी सर्विस ईयर थे कंप्लीट 22 साल के, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने होने चाहिए थे, 36, और उसकी कंपनी ने कितने दिए, 47। अगर वो 22 साल काम करता तो उसे कितने दिन का बेनिफिट मिलता, 660 दिन का बेनिफिट मिलता, जबकि एक्चुअली मिला उसे कितने का, 990 दिन का बेनिफिट ही मिलेगा, मतलब ज्यादा ही मिल गया ना एक्चुअल में तो। अगर ये कैलकुलेशन में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 600 आता, हाँ तो फिर 60 दिन का बेनिफिट मिलता, मतलब 2 महीनों का बेनिफिट मिलता। अभी नीचे क्वेश्चन है उसके भी सॉल्व हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, जो आपके क्वेश्चन है वो सब नीचे आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं, पढ़ो। मिस्टर शास्त्री एज 54 ईयर, हु हैज पुट इन 20 ईयर ऑफ सर्विस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वॉलेंट्री रिजाइन। उसने अपनी मर्जी से क्या कर दी, जॉब को छोड़ दिया। द जॉब अंडर आई स्कीम ऑफ वॉलेंट्री सेपरेशन, ही हैज 7 ईयर एंड 2 मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट एंड हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी 20,000। ही पेड 12 लाख एज अ कंपनसेशन। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो इसके लिए हम कौन सा कॉल लेंगे, वॉलेंट्री कंपनसेशन। वॉलेंट्री में था एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, कंप्लीटेड ईयर सर्विस इंटू 3 एंड रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। सबसे पहले एक्चुअल में इसे मिला कितना है, 12 लाख रुपए। माफ कितने का है, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का है। उसने कितने साल की सर्विस में काम किया है, सर्विस की अगर बात करें तो उसने 7 साल बचे थे। इसने लिखा है 20 ईयर ऑफ सर्विस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इसका मतलब 20 साल उसने काम कर लिया था। तो 20 साल इंटू 3 कितना आ गया, 60, इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है, 20,000, तो कितना आ गया, 12 लाख, और 12 आ गया, और रिमेनिंग पीरियड कितने, 7 साल। तो 7 साल को पहले कितने से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 12 कितना हो गया, 84, और बचे कितने महीने थे, 7 महीने, 7 साल 2 महीने, तो कितने हो गए, 86, और 86 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 20,000 से, तो कितना आएगा, 17,20,000। तो हम इसे हटा के यहाँ पर कितना लिखेंगे, 17,20,000। हमने इसे बताया था जो दोनों में से क्या होता है, हायर होता है उसे लेता, तो कितना आ गया, 17,20,000। मिला कितना है, 12 लाख, मैक्सिमम कितना है, 5 लाख, और हमने थर्ड में कैलकुलेट करके कितना निकाला, 17,20,000। तो टैक्सेबल कितने पे, माफी कितने की मिलेगी, 5 लाख की, और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 7, और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 7। समझे क्वेश्चन को, बिल्कुल समझो। एक्चुअल अमाउंट देखो, एक बंदा है जिसका नाम शास्त्री है, वो एक कंपनी 20 साल से जॉब कर रहा है, 20 साल कम्प्लीटली हो गए, उसे कहा कि सर अब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, वो वॉलंटरी में छोड़ रहा है। अब उसकी जॉब के 7 साल 2 महीने बचे थे, उसे जो सैलरी मिली थी 20,000 रुपये मिल रही थी, उसको कंपनसेशन के रूप में 12 लाख रुपये कंपनी ने दिए। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्चुअल अमाउंट 12 लाख, मैक्सिमम 5 लैक्स, और फिर कंप्लीटेड ईयर कितने साल से जॉब करिए, 20 साल, इंटू 3 कर दिया, 60,000 आ गया, 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 20,000 से, तो 12 लाख आ गया था। तो मैंने यहाँ पर 12 लाख लिख दिया, फिर जो मैंने कैलकुलेट किया रिमेनिंग पीरियड,
रिमेनिंग पीरियड में निकले 86 दिन, कैसे हाँ। 86 आ गया, कैसे 7 साल 2 महीने 86 आ गया, उसे मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 20 से, तो कितना आ गया 27,17,20,000 वो मैंने यहाँ लिख दिया, इन तीनों में सबसे कम कौन, 5 लाख, तो माफी कितने की मिलेगी 5 लाख की, और जो भी बचेगा वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा एज अ टैक्सेबल इनकम। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ बात करी सैलरी के क्वेश्चन, आज हमने आपके साथ 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपनी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमें अगर लॉ पता होंगे और उनकी मीनिंग पता होंगे, अगर हमें नहीं पता होंगे कि कंपटीटिव जैसे आपकी ग्रेच्युटी क्या कहता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की डेफिनेशंस क्या है, कितनी माफी है, तो आपको तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आपको लॉ क्लियर होगा, आपको लिमिट्स क्लियर होंगी, तो आप फटाफट सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। इसलिए तब से ज़्यादा जरूरी है पहले आपकी थ्योरी में आपकी एग्जेम्पशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जब सैलरी कैलकुलेशन करो दिक्कत ना आए। अगर आप यही स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले आप जो हमारी थ्योरी वाली वीडियो है उसे आप कंप्लीट कर लें, और उसके बाद इस क्वेश्चन पर आप मूव करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।